आगे बढ़े खबर शामिल करें। अमरीका ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए इजाफी 3 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान किया। पाकिस्तान में अमरीका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि दुनिया पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखकर दंग रह गई है। तफसील इस रिपोर्ट में। सैलाब ने अपना सब कुछ लुटा देने वाले सिंध के मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर तासरीन की सूरतेहाल का जायजा लेने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम अब खुद शिकारपुर पहुंच गए, जहां जिला इंतजामिया ने अमरीकी सफीर को रिलीफ और बहाली के कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डोनाल्ड ब्लूम ने मुतासर इलाके गांव मखनू का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गए और मुतासरीन में खेमे और दीगर सामान भी तकसीम किया। इस मौके पर अमरीकी सफीर ने दीगर ममालिक से पाकिस्तान में बहाली और तामीर नौ के कामों में मदद की अपील की। बोले, आज मुझे सैलाब मुतासरीन से मुलाकात का मौका मिला। मुतासरीन तारीखी तबाहकारियों का सामना कर रहे हैं। सैलाबी रेलों में उनके घर, माल मवेशी और प्यारे सब कुछ बह गया। Meeting with the victims of the flooding here today, that the profound needs here on the ground continue and will continue in the coming months. We call on all of our partner governments around the world to join us in increasing their own commitments to help Pakistan rebuild and recover. अमरीकी सफीर का कहना था कि अगस्त 2022 से अब तक अमरीकी हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को 9 करोड़ 70 लाख डॉलर की इमदाद दी गई है। इजाफी इमदाद के जरिए मुतासरीन को पनागाहें और सर्दियों से निपटने के लिए साजो सामान फराहम किया जाएगा। फैयाज हुसैन सुमरो, 92 न्यूज, शिकारपुर।